नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जे पुडत पुडती पार्था हे सकल लोक संस्था रक्षणीय सर्वथा मणौनिया मार्गाधारे वर्तावे विश्वहे मोहरे लावावे अलौकिका नोहावे लोका प्रती। जे साया से स्तन्य सेवी ते पकवान्ने के विजेवी मणौनी बाळका जैसी नेदावी धनुर्धरा तैसी कर्मी जया अयोग्यता कया प्रति नैष्कर्म्यता न प्रकटावी खेळता आदि करुणी। अमृतवाहिनी भगवती प्रवरा मैया के तट पर श्री क्षेत्र निवासा में भव्य दिव्य शिवालय में सदगुरु श्री निवृत्तनाथ महाराज एवं अन्य समस्त संत सज्जनों के समक्ष श्री संत सम्राट ज्ञानेश्वर महाराज अपनी भावार्थ दीपिका को आगे बढ़ाते हुए पुनः कुरुक्षेत्र की उस दिव्य झांकी की ओर हम लोगों को ले चलते हैं, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने अत्यंत प्रिय सखा पार्थ को समझाते हैं। पार्थ, जब तक जीवन है कर्म का त्याग नहीं हो सकता। आरंभ में कर्म करना होता है चित्त की शुद्धि के लिए, ऋण त्रयों को चुकाने के लिए, उसके माध्यम से सारा जीवन यज्ञमय बन जाता है। बाहर से सारे कर्मों का आचरण करते हुए भी उसमें से केवल मैं कर रहा हूं इस भावना को निकाल दिया जाए और कर्म के फल के साथ किसी भी प्रकार की आसक्ति न रखी जाए तो चित्त शुद्धि पूर्वक यह कर्म ज्ञान के लिए योग्य बना देता है। इस प्रकार का किया जाने वाला कर्म ही कर्म योग है। केवल काम करना कर्म योग नहीं है। काम तो रात दिन हम इतना कर रहे हैं, पशुओं की तरह काम कर रहे हैं, रात दिन की भाग दौड़ है। बहुत काम किया, बहुत कमाया, बहुत आप लोगों की भाषा में बोलना तो दिन रात बिजी रहा, इसलिए कोई कर्मयोगी नहीं होता है। कर्म में डूब जाना एक बात है, कर्मयोगी बनना दूसरी बात है। दिन रात नियत आवश्यक कर्म करते हुए भी उनके साथ मेरे अंतकरण का कोई संबंध न रहे, इस निर्लेपता को साध्य करना कर्म योग है। अब भगवान इसके पश्चात कहते हैं, ध्यान में आ गई बात कि ज्ञान प्राप्ति से बढ़कर के कुछ नहीं, उस परम ज्ञान को ही प्राप्त कर लिया, मोक्ष सदृश अवस्था प्राप्त कर ली। भगवान को कहना यह है तब भी कर्म का त्याग वो न करें।
मुक्ति के पश्चात भी हमारा देह तो है, क्रिया शक्ति भी है, अब इसका उपयोग कहां होगा? एक बात तो सत्य है कि जो मुक्त हो गया, जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसे कोई ये तो नहीं कह सकता कि आपको कर्म करना ही चाहिए जी। लेकिन हां, उनसे यह अपेक्षा अवश्य रखी जा सकती है, यदि वे कर्म करेंगे तो लोगों का भला होगा। उनका तो अब न कुछ बनना है न बिगड़ना है, उनका जो होना था वो हो गया। वे अब कर्म करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, उनके लिए कर्म का झंझट रहा नहीं। प्राप्त प्राप्तव्य हो गए, ज्ञात ज्ञातव्य। इस संसार में आकर के मनुष्य देह को प्राप्त करके जो जानना था वो उन्होंने जान लिया, जो कुछ करना था कर लिया, जो पाना था प्राप्त कर लिया। अब उनको क्या करना है? प्राप्तार्थ जे जाहले, मौली के शब्द है, सब कुछ उन्होंने मिला लिया, लेकिन तब भी संसार का भला होगा यदि वे कर्म करते रहेंगे। क्योंकि सामान्य मनुष्य की योग्यता नहीं है कि वह कर्म का त्याग करे। कर्म त्यागो गृहस्थस्य, गृहस्थ ने कर्म त्याग किया कि उसका जीवन मालिन्यपूर्ण बन ही जाता है। ब्रह्मचारी बटू के लिए कर्म का उतना आग्रह, उसके लिए व्रत का आग्रह है। लेकिन गृहस्थ के लिए तो कर्म का ही आग्रह। फिर कहते हैं बड़ों को देख करके लोगों का जीवन बनता है। सामान्य लोगों का अकल्याण न हो जाए, भ्रम के कारण उनका अकल्याण हो जाता है। वो पूजा नहीं करते, फिर मुझे भी करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा सोचने पर जिसको पूजा की आवश्यकता है उसने यदि पूजा का त्याग कर दिया तो उसका तो नुकसान हो ही गया। अब ज्ञानी सत्पुरुष की पूजा का स्तर कुछ अलग होता है, इसलिए वो करे चाहे न करे उसकी पूजा चलती ही रहती है, उसका तो जीवन ही संपूर्णम। जगदेव नंदन वनम सर्वे कल्पद्रुमा गांगम वारी समस्त वारी निवहा पुण्या समस्ता क्रिया वाच प्राकृत संस्कृता श्रुति शिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं, अरे वो तो जो बोलेगा वही वेद है, वही उपनिषद है। जो बोले सो हरि कथा, उसके मुख में आया हुआ हर शब्द ही भगवान नाम है। वो जिस जल को अपने हाथ में लेकर के आचमन करेगा वही गंगा जल है, वो जिस स्थान पर बैठेगा वही काशी है, वाराणसी मेदिनी। अब ये उसके लिए बंधन नहीं रहा, किंतु उसकी स्थिति को देख करके यदि बाकी लोगों ने उसी प्रकार का कर्म त्याग कर दिया, वो तो बेचारे अधोगति को चले गए। ज्ञानी सत्पुरुष के भीतर एक करुणा का उदय होता है। वो चाहता है कि लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, लोगों को अपने मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए। तो लोगों को सिखाने की पद्धति क्या है जी? लोग अपना अपना कर्तव्य कर्म निरंतर करते रहे, यह बात यदि लोगों के गले उतारनी होगी
तो उसका सबसे बढ़िया रास्ता यह है कि पहले वो महापुरुषों के जीवन में यथावत दिखनी चाहिए। पिताजी जल्दी नहीं उठते हैं तो बेटे से जल्दी उठने की अपेक्षा करना ही गलत। पिताजी अपने पिताजी को प्रणाम नहीं करते हैं तो बेटे को कैसे सिखा सकते हैं कि पिता को प्रणाम करना चाहिए। अब शायद उसके लिए आवश्यकता नहीं भी होगी, वे इतने बहान बन चुके होंगे, लेकिन बाबा जे साया से स्तन सेवी ते पकवान ने केवी जी। एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को माता जब स्तनपान कराती है, एकदम दुधमुहा बच्चा, नवजात शिशु, वो ठीक से स्तनपान कर भी नहीं सकता, साया से उससे वो करवाना पड़ता है। स्तनपान भी जिससे करवाना पड़ता है, इतना जो छोटा बच्चा है, यदि मां उसका लाड़ करने लग गई और विचार किया कि यहां पर बर्फी ठाकुर जी के प्रसाद की मिली है तो ले जाकर के उसको बर्फी, अब अरे वो उसकी पात्रता नहीं है। मां ने विचार किया बड़े बेटे के लिए मैंने बादाम का हलवा बनाया है, इसको भी खिला दो, वो उसकी योग्यता नहीं है। हर जीव का अपना अपना अधिकार होता है, अधिकार का अर्थ योग्यता, उसे उसके अनुरूप साधन मिलना चाहिए। तैसी कर्मी दया अयोग्यता, तया प्रति नैष्कर्म्यता, न प्रकटावी खेड़ता आदि करुणे। दानेश्वर महाराज की भूमिका माउली की, मां की भूमिका है। वे समझा करके कहते हैं, देखो पार्थ, खेल खेल में भी कभी उन लोगों को ये बातें नहीं कहना कि नैष्कर्म अवस्था में क्या स्थिति होती है, उससे उनका नुकसान होगा। भगवान मनु ने वर्ण संकर के कुछ कारण बतलाए, उसमें एक कारण यह है, जिस समय जिस बात का ज्ञान व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, उस समय उसका ज्ञान होने से भी उसकी वृत्ति में संकर आ जाता है। अवेद्या वेदने न च, अवेद्य वेदन, जिस समय जो नहीं जानना चाहिए उस समय वह नहीं ही जानना चाहिए। महाराज ये कहते हैं, अरे जिसे ठीक से कर्मकांड करना नहीं आता है, जिसे ठीक से अभी बैठना नहीं आता है, प्राणायाम करना नहीं आता है, आचमन करना नहीं आता है, समय से उठना नहीं आता है, उसे यदि निष्कर्म स्थिति संपूर्णम जगदेव नंदन वनम, इसके लिए तो सारा जगत ही नरक हो गया, नंदनवन काय का। वो उनके लिए नंदनवन है जिन्होंने आत्मानंद को प्राप्त किया, इसके लिए नहीं। अभी इनको कर्म करने की भी योग्यता नहीं, और चर्चा चली नैष्कर्म में असिद्धि की, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए महाराष्ट्र में एक परंपरा रही, ज्ञानेश्वरी का प्रवचन सबके सामने करना, अमृतानुभव का प्रवचन कभी सबके सामने नहीं करना। मैंने कहा था आप लोगों के लिए कि इससे भी ऊंचा अब एक ही ग्रंथ रह गया, लेकिन वह सबके लिए है ही नहीं, यह मर्यादा है। परंपरा तो ऐसी ही है कि बहुत थोड़े लोगों को द्वार बंद करके ही वह ग्रंथ सुनाना। अष्टावक्र गीता आजकल लोग पढ़ते, गवारों के पढ़ने के ग्रंथ नहीं है। जिसको भगवत गीता की अकल नहीं,
वो अष्टावक्र गीता पढ़ेगा तो उसका तो सब कुछ गया, इधर से भी गया उधर से भी गया। ज्ञान बहुत ऊंचा है, हमारी उसके लिए पात्रता नहीं है। अरे बादाम का हलवा तो बढ़िया ही है, लेकिन वो 8 दिन का छोटा सा बच्चा शिशु जे साया से स्तन्य सेवी, वो दूध भी नहीं पी सकता, उसको वो खिलाएंगे तो मर ही जाएगा। अब ये आदमी तो नहीं मरेगा लेकिन इसका साधन मर जाएगा। कैसे मरता है पता है? अरे परमात्मा कोई मूर्ति में थोड़े ही होते हैं, मूर्ति तो कोई कारीगर बनाते हैं, भगवान तो निरंजन तत्व है, उसका कोई आकार थोड़ी है। इस प्रकार की बकवास यदि सामान्य साधकों के सामने की जाए ना, सगुण गेले ब्रह्म ज्ञाने, यह ब्रह्म ज्ञान जिसके सामने कहा गया उसकी सबसे पहले सगुण से श्रद्धा हट जाती है, फिर वो पूरे मन से मूर्ति सेवा प्रतिमा पूजा नहीं कर सकता, उसका भाव ही खंडित हो गया। आजकल के पढ़े लिखे गंवारों के साथ यही बात है, अपात्र अवस्था में उन्होंने ब्रह्मज्ञान सुना इससे सगुण भक्ति गई, और निर्गुण में संदेह तो सर्वदा ही होता है। सगुण गेले ब्रह्मज्ञाने, निर्गुण गेले संदेहाने, पता नहीं वो निर्गुण है कि नहीं, टेस्टलेस कलरलेस ऑर्डरलेस, किसको पता चलता है क्या है निर्गुण। ये हो गई बकवास। इसलिए अत्यंत वैराग्य पूर्वक गृह त्याग पूर्वक वन में जाकर के जो तीव्र वैराग्य के साथ वेदांत का अध्ययन करता है और योग वासिष्ठ का चिंतन करता है, या तो वो तरता है या सब कुछ भुला करके इस ब्रह्म ज्ञान को तो दूर फेंक करके जो केवल जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय राम
कर्मी दया अयोग्यता तया प्रति नैष्कर्म्यता न प्रकटावी खेलता आदि करो। या तो तीव्र वैराग्य संपन्न वह वनवासी वेदांती तरेगा या ये भोला भक्त तरेगा, जिसको और परब्रह्म वर ब्रह्म कुछ भी पता नहीं है, उसको तो एक ते है ब्रह्म विटेवरी उभे चंद्र भागे तिरी। परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरम पुंडरीकाय दातु मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तमानंदकंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। उसमें जिसकी पूर्ण श्रद्धा है ना वो तरेगा। ये बीच के लोग खाली कपाल भाती और सुदर्शन क्रिया ही करते रह जाएंगे, ध्यान रखना उनके भाग्य में उतना ही है। थोड़ा सा पढ़ लिखने के कारण हमारी श्रद्धा की हानि हो गई। वो कैसे बताऊं, एक बार पूज्य उड़िया महाराज स्वामी अखंडानंद जी महाराज के भी गुरु अब बाबा तो विलक्षण थे, रोज जाते थे बिहार जी के दर्शन के लिए। एक बार खड़े थे, तल्लीनता से दर्शन किए, लोग भी आसपास थे, दर्शन करके वे मुड़े और एक ऐसे ही पढ़े लिखे गवार ने उनसे पूछा, बाबा बाबा एक बात पूछनी है। कहा, बोलो। आपने भगवान को देखा है? बाबा ने उसके गाल में एक तमाचा दे दिया, पागल ये क्या देख रहे हो? इनमें तुम्हें भगवान नहीं दिखते हैं क्या? गड़बड़ी यही है, श्रद्धा की हानि हो गई। ये पढ़ा लिखा गवार ऐसा हो गया। इतने बड़े ब्रह्मवेत्ता, साधन की पूर्णता ये, जब ठाकुर के सामने ठाकुर यही और क्या ठाकुर, सगुण गेले ब्रह्म ज्ञाने, निर्गुण गेले संदेहाने, इधर से भी गया उधर से भी गया। इसलिए साधन का क्रम अपने जीवन में होना चाहिए। अपनी योग्यता के विपरीत साधन करने पर, साधन बढ़िया होने पर भी वो साधन आपका कल्याण नहीं करता। अच्छा आप एक बात बताओ, किस साइज का कुर्ता अच्छा होता है? आप लोग बोलो। अरे साइज की क्या बात है भैया, जैसा मेरा शरीर होगा मेरे नाप का कुर्ता मेरे लिए अच्छा होता है। छोटे बच्चे का कुर्ता छोटे बच्चे के लिए अच्छा होता है, तो बड़े का बड़े के लिए अच्छा होता है।
इतनी बात यदि समझ में आती है तो साधन के बारे में भी यही बात समझ में आनी चाहिए ना, जिसकी जितनी पक्वता है उसके लिए उसी प्रकार का साधन देना चाहिए। साधन बहुत अच्छा है एकदम, लेकिन बच्चा छोटा है ना, उसको भी दिन में हाथ कितने बार धोने चाहिए इसकी भी अकल नहीं है। उसको कहां बड़ी बड़ी बातें सिखाते हैं। हमारी बौद्धिक जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए साधन नहीं है, ध्यान रखना, मानव जन्म को कृतार्थ करने के लिए साधन है, और इसलिए योग्यता के अनुसार ही वह अधिक 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 मिलते जाना चाहिए। भगवान ने स्वयं लोक शिक्षा के लिए ही सारा कर्म किया ना, क्या भगवान श्री राम को आवश्यकता थी वनगमन की। चले भगवान, निरंतर कर्म करते रहे भगवान श्री कृष्ण, ये सारा लोक शिक्षा के लिए है, नहीं तो लोगों का नुकसान होगा। ते देहाभिमान सांडुनी गुण कर्मे वोलांडुनी साक्षी भूत होउनी वर्तती देही। भगवान कहते हैं अर्जुन, सामान्य व्यक्ति में और समझदार ज्ञानी में अंतर इतना ही है। वास्तव में कर्म किए जाते हैं प्रकृति के द्वारा, और हम उसके कर्तापन को ढोते हैं अपने ऊपर। वास्तव में कर्तापन अपना न होने पर भी भ्रम के कारण हम उसको ढोते रहते हैं, और ढोते रहने के कारण दुखी होते जाते हैं। ज्ञानी का दृष्टिकोण ही यह होता है, उसने पूरा एक निश्चय कर लिया है कि मैं शरीर हूं नहीं। ते देहाभिमान सांडुनी गुण कर्मे वोलांडुनी, यद्यपि शरीर मेरा कर्म करता है, शरीर मैं नहीं हूं, मैं इससे भिन्न हूं। चम्मच का उपयोग तो आप करते ही होंगे भोजन के समय, कुछ लोग हाथ से भोजन करते हैं, कुछ लोग चम्मच से भी करते हैं। कैसे भी किया जाए, लेकिन आपने कभी यह सोचा है क्या कि चम्मच मैं हूं? चम्मच से ही खाते हैं, चम्मच मैं हूं ऐसा नहीं मानते हैं ना। उसी प्रकार शरीर से ही कर्म होगा, लेकिन शरीर मैं नहीं हूं इस प्रकार की अलिप्तता जिसके भीतर निर्माण हो गई वो वास्तव में ज्ञानी है। चम्मच का उपयोग मैं करता हूं, जिस प्रकार चम्मच मेरा एक साधन है, यह हाथ भी मुझे मिला हुआ एक परमानेंट चम्मच ही नहीं है क्या? और ऐसे ही पूरा शरीर नहीं है क्या? यह उस ज्ञानी की अनुभूति है, उस ज्ञानी की दृष्टि है। इसलिए यद्यपि शरीर के द्वारा कर्म होता है, वह अपने को उससे निस्संग रखता है, अलिप्त रखता है। मनोनी शरीर ही जरी होती तरी कर्मबंधा नातलती, जैसा का भूत चेष्टा गभस्ती घे पवेना। ये महात्मा रहते हैं देह में, लेकिन देह के साथ इनका संबंध नहीं। अच्छा,
देह के साथ संबंध तोड़ देना तुम्हें इतना कठिन लगता होगा अर्जुन, तो मैं तुम्हें एक युक्ति सिखाता हूं। जो कर्म तुम्हारे हिस्से में आ गए उन कर्मों को करो, और उन कर्मों को करने के पश्चात मैं करता ही नहीं ये भूमिका ज्ञानी ले सकता है, लेकिन भक्त की भूमिका क्या हो सकती है जिससे ये बात सरल हो जाती है। भगवान कहते हैं तरी उचिते कर्मे आघवी तुवा आचरोनी मद अर्पावी परिचित्त वृत्ति विन्यासावी आत्मरूपी। कर्तव्य के रूप में जो कर्म मुझे करने पड़ने हैं वो तो मैं करूं, कर्म को पूर्ण करने के उपरांत मैं उस कर्म को भगवान के चरणों में अर्पण करके उसके साथ की मेरी सारी वृत्तियों को काट लूं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, ऐसा हमने कहा। यह हम वाणी से तो बोलते हैं, ऐसा कहकर के जल भी छोड़ देते हैं, लेकिन उस पदार्थ को मन से नहीं छोड़ते हैं। इधर तो कह दिया श्री कृष्णार्पणमस्तु, और उधर पूछता है इसका फल कब मिलेगा। अरे तुमने कृष्ण को अर्पण किया ना, अब फल की प्रतीक्षा काय को करते हो। लेकिन मन से आदमी छोड़ नहीं सकता, भगवान उसको रास्ता दिखाते हैं। पूरी तरह मानो कि तुमने मेरे लिए किया, चाहे प्रपंच का काम है, चाहे किसी संस्था में मैं हूं उसका कोई उचित काम है, चाहे समाज में अन्यत्र कहीं मैं हूं वहां का मेरा कोई कर्तव्य है, बस सब कुछ मैं करूं। भूमिका उस मुनीम की रखूं जो किसी की आज्ञा से काम कर रहा है, किसी की आज्ञा से, अपने मालिक की आज्ञा से मुनीम ने काम किया। अब इसमें वह करता है नहीं, यहां पर वह मुनीम हो गया उपकरण। कर्म करने के पश्चात उसके फल के साथ उसका संबंध है नहीं, उसमें उसको लाभ हुआ तो भी मालिक का, नुकसान हुआ तो भी मालिक का, इसको तो जो मिलना है वो तो मिलना ही है। आजीवन इस प्रकार की भूमिका बन जाए मनुष्य की। अर्जुन आता कोदंड घेऊनी हाती आरूढ़पा इयरथी देई आलिंगन वीरवृत्ति समाधाने। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, इसलिए इस कारुण्यवृत्ति का त्याग करके वीरवृत्ति का स्वीकार करो, मेरे कहने से करो, मेरे लिए करो, इसका लेप मुझे लगेगा नहीं इस विश्वास के साथ करो। एक सुंदर वाक्य भगवान बोल गए, जगी कीर्ति रूढ़वी सधर्माचा मानु वाढ़वी या भारा पासोनी सोड़ीवी मेदिनी। क्या करना चाहिए उत्तम पुरुष को अपने जीवन में, इसका सुंदर चित्रण इस ओवी में। जगी कीर्ति रूढ़वी, हर व्यक्ति के लिए है ये। इस संसार में मेरे द्वारा इस प्रकार का कर्म अवश्य किया जाना चाहिए जिससे सारे संसार में मेरी कीर्ति छा जाए। अब सभी का सारा संसार एकदम पूरा ग्लोबल नहीं होता है, अपना अपना संसार छोटा छोटा भी होता है,
किसी का परिवार जितना ही संसार है, किसी का गली जितना है, किसी का गांव जितना है, किसी का जिले जितना है, किसी का कितना है, लेकिन चतुर्दिक जहां भी उसके बारे में बातचीत होगी वह बातचीत उसके गौरव की होगी। जगी कीर्ति रूढ़वी, मेरे बारे में कितने भले लोग की कैसी बात करते हैं इस बात का कभी भी थोड़ा चिंतन करना, इसकी उपेक्षा नहीं करना। अजी लोग तो बोलते ही रहेंगे, यदि आप हिमालय में जाकर के बैठने वाले योगी हैं तो इस प्रकार का आप भाव रखें, लेकिन यदि आप संसार में कर्म कर रहे हैं तो सत्कीर्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। लोगों के मुख में मेरे लिए अच्छे ही शब्द होने चाहिए और वे अच्छे शब्द अच्छे लोगों के मुख में होने चाहिए। आलतू फालतू आदमी मेरे लिए क्या बोल रहा है इसकी ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, भला रे भला बोलती ते करावे, भला रे भला बोलती, अच्छे लोग मेरे लिए क्या बोल रहे हैं, जो स्वयं समझे हुए सुलझे हुए सज्जन लोग हैं उनका मत मेरे लिए क्या है। जगी कीर्ति रूढ़वी, इस प्रकार की सत्कीर्ति के लिए प्रयास करना यह जरा भी गलत, उल्टे इससे मनुष्य का जीवन अधिकाधिक निखरता जाता है। संसार अंधा नहीं है, संसार पागल भी नहीं है, सारे संसार को आप पागल बना सकते भी नहीं है। अंग्रेजी का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू कैन डिसीव सम पीपल फॉर ऑल द टाइम्स, यू कैन डिसीव ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैनॉट डिसीव ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम्स। सब लोगों को आप कुछ समय तक धोखा दे सकते हैं, थोड़े से लोगों को आप हरदम के लिए भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन सब लोगों को सदा के लिए धोखा देना संसार में किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। अरे और तो और, भगवान श्री राम ने भगवती सीता जी के त्याग के समय क्या बात कही, भगवान श्री राम को भगवती जानकी के लिए जरा सा भी कोई संशय नहीं है। किसी को भी नहीं है उस परिवार में, लेकिन लोग बोलते हैं। धोबी नहीं बोला, एक धोबी के कहने से भगवान श्री राम ने ऐसा कोई निर्णय लिया हो, ऐसी बात ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में इसका विस्तार से विचार आया है, हर चौराहे पर वो चर्चा है, हर समारोह में वो चर्चा है, भगवान श्री राम के मित्रों में भी वो चर्चा है। ये कैसे हो गया? किसी प्रकार की आशंका अंतकरण में न होने पर भी भगवान ने निर्णय केवल अपने कुल की कीर्ति के लिए लिया। परापवाद भी तो जीवन भगवान का है, क्या बोलेंगे लोग? इस सिंहासन की प्रतिष्ठा क्या है? समर्थ रामदास स्वामी
चौथा अत्यंत साक्षेप फेड़ावे नाना आक्षेप। मनुष्य का जीवन कीर्तिमान होना चाहिए। जगी कीर्ति रूढ़वी, स्वधर्माचा मानु वाढ़वी, इतनी पंक्ति तो अपने जीवन में अपने हृदय पर लिख करके रखना। इतने तीन शब्द, स्वधर्माचा मानु वाढ़वी, मैं जिस काम को कर रहा हूं उस काम का गौरव मेरे व्यक्तित्व के कारण बढ़ता है कि घटता है। किडनी स्कैंडल एक डॉक्टर ने किया, लोगों की भाषा क्या हो गई, अरे डॉक्टर लोग ऐसे ही होते हैं। सारे डॉक्टर उस चपेट में आ गए कि नहीं, यदि मैं कोई बुरा काम करता हूं तो मेरे कारण मेरा व्यवसाय या मेरी वृत्ति या मेरा कार्य या तो गौरव प्राप्त करता है या आलोचना का पात्र हो जाता है। आजकल की बात नहीं, लेकिन एक जमाना था जब सब मंत्री नहीं खाते थे, अभी क्या पता नहीं। थोड़े से कुछ भ्रष्टाचारी हो भी सकते थे, लेकिन उस एकाध भ्रष्टाचारी को देख करके समाज का मन क्या बन जाता, ये सब ऐसे ही है, ये सब ऐसे ही है, मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिस व्यवहार के कारण मैं जिस स्वर्ग का प्रतिनिधि हूं उस स्वर्ग के बारे में लोगों के अंतकरण में आदर निर्माण हो जाए। स्वधर्माचा मानु वाढ़वी। एक ब्राह्मण कोई अधम काम करता है, सहज देखने वाले का मन क्या बनता है और लोगों में चर्चा क्या होती है, देखे ये ब्राह्मण। अब गलती एक ने की होगी या दो ने की होगी, चपेट में आ गए सब। अपने जीवन की कसौटी ही ये होनी चाहिए, मेरे कारण मेरे वर्ग की हानि हुई या लाभ हुआ, गौरव बढ़ा या गौरव घटा। स्वधर्माचा मानु वाढ़वी। या भारा पासो नि सोड़ीवी मेदिनी। अर्जुन, इस भूमि के ऊपर जो अत्यंत बड़ा अधर्म का भार है इससे इसे तुम मुक्त करो। भगवान कहते हैं अर्जुन, अपनी बुद्धि को इतना स्थिर रखने के लिए एक एक बात से संभलना। वह व्यक्ति अपने आप संभल जाता है जिसने जीवन में केवल जितेंद्रिय होने का प्रयास किया, अपनी इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण, विषयों से दूर रहने का अभ्यास, यह एक इन सारी बातों की कसौटी है। पतंगा दीपी आलिंगन तेत त्यासी अचूक मरण देवी विषयाचरण आत्मघाता। विषयों में अत्यंत आसक्त होने के कारण ही व्यक्ति आत्मनाश करता है, इसलिए अपनी बुद्धि को
शुद्ध रख करके सारे निर्णय लेने के लिए इन विषयों से दूर रहो। मनोनी इंद्रिये एके जानते नि पुरुखे लाला विना कौतुके आदि करुणी। प्रभु ने पुनः उस बात का विस्तार किया। चाणक्य का एक वाक्य बतला देता हूं, सारे शास्त्रों का सार। चाणक्य जैसा मैनेजमेंट गुरु कोई नहीं। सर्वम ही शास्त्रम इंद्रिय जयः, ये चाणक्य का सूत्र है। सर्वम ही शास्त्रम इंद्रिय जयः, अरे सारे शास्त्रों को आखिर कुल मिलाकर के कहना क्या है? हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, विषयों से दूर रहने का अभ्यास होना चाहिए। शास्त्र का प्रतिपादन समाप्त। इसके पश्चात शास्त्रों को बहुत थोड़ा कहने को बचता है। सर्वम ही शास्त्र इंद्रिय जया, भगवान वही बात कहते हैं। बापा विशाची मधुरता जने आवड़ी नुपजे चित्ता परी तो परिणाम विचारता प्राण मोरी। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ऐसा कहकर के अर्जुन जो विषयों के पीछे पड़ गया उसने अपना घात किया। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच विषय। भगवान कहते हैं जिसने जितने जल्दी इन विषयों से अपना संबंध तोड़ लिया उतना वो अपने जीवन में अधिक सुखी और अधिक धन्य हुआ। मनऊन यहां आश्रयोचि न करावा, मने ही आठवो न धरावा, एक निवृत्ति का बोलावा ना सोनी थी। भूल करके भी विषयाशित जीवन न हो, मन में इस प्रकार के विषयों का चिंतन करने की मुझे तो आदत कभी नहीं लगनी चाहिए। जिसको ये आदत लगी उसकी उन्नति समाप्त। मनुष्य अपने जीवन में कितना महान बनेगा, परमार्थ की दृष्टि से बोल रहा हूं, जो कि व्यवहार में भी कुछ मात्रा में तो सत्य ही है। मन विषयों का जितना चिंतन करेगा उतना उतना मनुष्य गिरता जाएगा, और विषयों का चिंतन जितना उस मन से छूट जाएगा उतना उतना वह ऊंचा ऊंचा होता जाएगा। मने ही आठ वो नधरावा, अरे मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूं, इस प्रकार की आदत जिसको लग गई वो अपने आप ही जो बात मेरे कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आती है लेकिन मेरे विषयाधीनता के कारण मुझे अच्छी लगती है मैं वही करूंगा, भगवान कहते हैं इससे उसका नुकसान है। जो जिसका कर्म है उसे वही करना चाहिए। भगवान इस बात के अत्यंत आग्रही है। मनोनी आणि कासी जे विहित आणि आपण पेया अनुचित ते नाचरावे जरिहित विचारिजे। जो बातें दूसरों के करने के लिए ठीक है वो मुझे अच्छी लगने लग जाए और मैं करने लग जाऊं, भगवान इसे अपराध मानते हैं। कोई भी कर्म करते समय पहला विचार, पहला प्रश्न अपने मन में यह आना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है क्या? Am I anyway concerned? जिस बात से मेरा कोई संबंध नहीं होगा और जो करना मेरे लिए नियुक्त नहीं होगा वह केवल मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता जाऊं, इसी को भगवान ने परधर्म कहा। अर्जुन के स्थान पर कोई ब्राह्मण होता ना, भगवान कहते तुम काय को यहां पर आए, जाओ शास्त्र पढ़ो। अर्जुन भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, भगवान ने कहा काय को जा रहे हो,
तुम्हारा काम युद्ध करना है, युद्ध करो। एक सादी बात है, देखो संसार की समाज की बात भूल जाओ, एक संस्था को भी ठीक चलाना होगा। एक सादा नियम यही है कि जिसको जो काम कहा गया उसे वही काम करना चाहिए। दूसरे के क्षेत्र में, दूसरे के काम में यदि आवश्यकता होगी और मुझे समय होगा और उसकी अनुमति होगी तो पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों को अपना काम सूझता नहीं, दूसरों के कामों में मेडलिंग करना, इधर उधर इधर उधर, इससे सारी व्यवस्था बिगड़ती है। उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि चाहे छोटी सी संस्था है, चाहे पूरा समाज है, चाहे पूरा ब्रह्मांड है, प्रिंसिपल्स तो वही है जो भगवद गीता के हैं। एक घर में भी, घर तब उत्तम चलेगा जब हर व्यक्ति अपना अपना काम करेगा। नहीं टर्न बाय टर्न सबको सभी काम करने चाहिए, ऐसा करेंगे ना तो जिस दिन पिताजी की नौबत आएगी रसोई बनाने की, उस दिन सब विचार करेंगे कि आज घर पर भोजन नहीं करेंगे तो अच्छा है। वो उस प्रकार से खिला ही नहीं सकेंगे। सधर्म शब्द का अर्थ मेरा कर्तव्य, परधर्मक शब्द का अर्थ है दूसरे का कर्तव्य। मेरा विकास मेरा कर्तव्य करने से होगा। ये तो आचारु तो धरावा तो दो देखता कीर वरवा, परी आचरते न आचरावा आपुलाची, अगा स्वधर्मुहा आपला दरी का कठिन जाहला, तरी हाच अनुष्ठिला भला देखे। ब्राह्मण को ब्राह्मण का ही कर्म करना चाहिए। वो संध्या वंदन नहीं करेगा तो गड़बड़ी गड़बड़े। किसी ब्राह्मण को ऐसे लग गया कि नहीं ये संध्या वंदन करने में बड़ी झंझट है, उसके स्थान पर हम केवल ध्यान करेंगे तो गड़बड़ है। आपका कर्तव्य संध्या वंदन है पहला। संध्या वंदन करते करते आपका, अच्छा संध्या वंदन करने के पश्चात आपको ध्यान करना है, करो। अपने कर्तव्य का त्याग करके नहीं। मुझे जरा हायर साधना करनी है, ऐसा आजकल लोगों के मन में बहुत आता है। हायर अभी जहां है वो भी नहीं कर सकते हैं, सबको थोड़ा हायर हायर है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बात होती है ना। एक घर में कुछ मछलियां रखी हुई थी, रखते हैं लोग, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। घर में नई बहू आई, उसने देखा, अब वो मछलियों का पानी बदला जाता था समय समय पर। उस बहू ने विचार किया, ये कैसे लोग हैं, इतना बड़ा अपना घर, इतना बड़ा घराना, अब वो नई नई बहू आई, उसने विचार किया इन सारी मछलियों को पानी में एकाएक रखा जाता है, अरे इनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, जरा आज दूध में इनको रख दिया जाए। सास तो बेचारी कहीं मंदिर में गई थी और बहू रानी नई नई आई थी। अपने घर में कोई दूध की कमी थोड़ी है, उसने कहा इतने वर्षों तक तो यूं ही पानी में रखी गई है मछलियां,
अब मेरे आने से कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं स्टैंडर्ड में, उसने ये फर्क किया। सब मछलियों को आने तक, सांस के लौट करके आने तक मैं कुछ करके दिखा रही हूं, ऐसा सोच करके उसने सबको दूध में रख दिया, भर दिया दूध। अब क्या हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं, पानी से दूध अच्छा है कि नहीं? अच्छा है ना, लेकिन मछली के जीने के लिए अच्छा है क्या? मछली का स्वधर्म है पानी में रहना, जल में रहना, दूध में वो मरेगी। उसी प्रकार हम अपने कर्तव्यों को करेंगे तो तरेंगे, बड़े बड़े कर्तव्य दूसरों के होने पर उनको करेंगे तो भी हम मरेंगे उस मछलियों की तरह। भिक्षा मांगना बहुत बड़ा काम है जी, सादा काम थोड़ी है। अर्जुन चले थे भिक्षा मांगने के लिए, भगवान ने कहा बैठो यहीं पर, ये तुम्हारा काम नहीं है। अर्जुन ने यही कहा था पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, अरे केशव इससे तो भिक्षा मांग करके जीना अच्छा है। अब भगवान ने कान पकड़ा कि नहीं पकड़ा पता नहीं, लेकिन लगभग उसी शैली में भगवान ने उसको बैठाया। किसके लिए क्या योग्य है ये देखना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन, हाँ गा साकर आनी दूध, हे गौल्य कीर प्रसिद्ध परिक्रमि दोषी विरुद्ध घेपे केवी। दूध भी अच्छा है, अच्छा दूध में चीनी मिलाई जाए मीठा लगता है ना, अच्छा पीने में अच्छा भी लगता है, पुष्टि भी देता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे के पेट में कीड़े हुए हैं इसलिए उसको दूध दूध मत दीजिए अभी। पेट में जब कृमि हुई है ऐसी स्थिति में दूध का देना उसके लिए घातक है। दूध अच्छा है, चीनी भी अच्छी है, लेकिन जब उदर दोष है तो उसके लिए वो ठीक नहीं। संसार में क्या क्या अच्छा है यह देख करके घर में लाने की आवश्यकता नहीं, हमारे घर की रीत क्या है यह देखना चाहिए, इसको स्वधर्म कहते हैं। वहां वो अच्छा लगा, वहां वो अच्छा लगा, अच्छे अच्छे घर में भी ऐसे मरे हुए जानवर ला करके रखते हैं। अरे वैष्णव का घर, वो मरा हुआ जानवर ला करके रख दिया, क्यों? अच्छा लगा, घूमने गए थे मियां बीबी, बहुत सारे लोग ले रहे थे तो इन्होंने भी ले लिया, कुछ तो लेना चाहिए। अब जो अपने घर में नहीं है वो लेना चाहिए। किसके लिए क्या योग्य है इसको देखना। हा गा साकर आणि दूध, हे गौल्य कीर प्रसिद्ध परिकृमि दोषी विरुद्ध घेपे केवी। अर्जुन ने यहां पर एक बड़ा मार्मिक प्रश्न पूछा। अर्जुन ने कहा केशव ये इतना सारा प्रवचन जो तुम करते हो ना अच्छा तो लगता है, लेकिन तुम एक सही बात बताता हूं, इतनी अकल तो मेरी भी चलती है, लेकिन अरे कभी कभी क्या होता है पता है, मेरे मन में कोई बात करने की इच्छा नहीं होती है, इच्छा नहीं होने पर भी मेरे हाथ से वो हो जाता है। पता होता है मुझे कि ये मैं गलत कर रहा हूं, मन भी ये कहता है कि मत करो, तब भी पता नहीं मेरे हाथ इसी प्रकार का कोई ना कोई गलत काम कर ही बैठते हैं। क्यों कर बैठते हैं? भगवान ने कहा बतलाता हूं, थोड़ा भजन करो। हरी शरणम हरी शरण 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 हरी शरण।
शरणौ हरि 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 हरि शरणौ 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 कैसे ये ज्ञानियांची स्थिति भ्रंशे मार्गो सांडोनि अनारिसे चालत खेवो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कैसो आकी बात बड़ी सुंदर अपने स्वयं के कर्तव्य के लिए स्वधर्म के लिए आपका जो आग्रह है वह बिल्कुल सही होगा। प्रश्न यह है उत्तमोत्तम ज्ञानियों को भी हमने अपने कर्तव्य को त्याग करके दूसरी बातें करते हुए देखा। जो बातें उनसे अपेक्षित नहीं है अपना मार्ग त्याग करके दूसरे के मार्ग की ओर वे मुड़ जाते हैं यह वास्तव में उनका स्खलन है। एक सामान्य मनुष्य गलतियां करे तो समझ सकते हैं लेकिन ज्ञानी पुरुष बड़े बड़े लोग भी इस प्रकार से फिसलते हुए दिखते क्यों हैं? ते असता संगु सांडिति तेच संसर्गो करिता न घेधाती वनवासी ही सेविती जनपदाते। उत्तम ज्ञानी निस्संग होना चाहिए, उनको हम व्यामोह में फंसे हुए क्यों देखते हैं? उसको तो रस होना चाहिए केवल विजनवास में देखते हैं हम कि उनको एकांत में रस रहा नहीं, सर्वदा लोगों की संगति में लोगों के समान विषयों के सेवन में। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों होता है? भगवान ने उत्तर दिया न चाहते हुए भी इस प्रकार की बातें जीवन में होती है अर्जुन, तो उसका सही कारण तो यह है इन लोगों ने अपने शत्रुओं की ओर ध्यान दिया नहीं, अपनी उन्नति तो करते रहे साधन में प्रगति भी करते रहे, इस साधन को
नष्ट कर देने की क्षमता जिनमें है, ऐसे अपने शत्रुओं की ओर इनका ध्यान गया नहीं। अर्जुन, ये दो शत्रु काम और क्रोध, इनमें भी काम अत्यंत प्रबल, कुछ न कुछ चाहता ही रहता है, कुछ न कुछ चाहता ही रहता है, ये अच्छा है चाहिए, वो अच्छा है चाहिए, वो अच्छा है चाहिए, वो सब कुछ अच्छा है चाहिए। रजोगुण से निर्मित ये दोनों अच्छे अच्छे लोगों को गिराते हैं अर्जुन। भगवान ने यहां पर बड़ा अद्भुत वर्णन किया ज्ञानेश्वर महाराज ने, तरी हे काम क्रोध पाही दयाते कृपेची साठवण नाही, हे कृतांताचा ठाई मानिरती। उत्तम साधन करने की आकांक्षा रखने वाले के लिए तो ये यम के ही रूप है, साक्षात मौत ही है। मनुष्य के जीवन के सारे उत्तम तत्वों का विनाश करने वाले ये शत्रु, इनका नाश करने की ओर यदि साधन का ध्यान नहीं, साधक का ध्यान नहीं गया, तो केवल साधन करता रहने वाला वह कभी न कभी संकट में आएगा। ज्ञानेश्वर महाराज इनके लिए उपमाएं देते हैं, हे ज्ञान निधि से भुजंग, आप लोगों ने कहीं सुना ही होगा, पुराने लोग अपने घर में धन को, जेवर को, सुवर्ण आदिकों को, अरे कहीं ना कहीं तो रखना चाहिए, सुरक्षित रखने का स्थान, अब कहां मिलेगा। अब ये प्रश्न ही है वास्तव में, धन निश्चित रूप से सुरक्षित कहां रहेगा, घर में रहेगा कि बैंक में रहेगा कि ऑफिस में रहेगा कि सरकार के पास रहेगा। जिनके पास धन एक्स्ट्रा होता है ना, उनके बड़ी चिंता। तो पुराने जमाने में लोग एक सुरक्षित स्थान मानते थे, अपेक्षाकृत वह सुरक्षित माना भी जा सकता है, भाई कहीं गाड़ करके रख देते थे जमीन के अंदर। उत्तम जेवर को भूमि में गाड़ करके रख दिया। अच्छा, रखते समय यही विचार करते थे, जब आवश्यकता होगी निकाल लेंगे, आवश्यकता होगी निकाल लेंगे, अरे जरूरत पड़ेगी तो जब कभी चाहेंगे निकाल लेंगे। अब कभी कभी लोग इतने रईस हुआ करते, अब उनको जीवन भर में यदि आवश्यकता पड़ी ही नहीं, निकालने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, किसी को बताया भी नहीं, ऐसी बातें किसी को बताई भी नहीं जाती। अच्छा, दूसरा होता भी यह है कि जहां पर ऐसा गाड़ करके या छिपा करके रखा जाता है ना, रोज मनुष्य उस स्थान को याद करता है। ज्ञानेश्वर महाराज को तो कभी कभी करता है, आरती बोलते समय करता होगा, लेकिन वो जो अपना स्थान है याद करता है, और भगवान को भी याद करता है, तो कहता है मैं यहां पर तो आपके पास बैठा हूं, तुम वहां ध्यान रखना। एनीवे, उसका चिंतन रोज करता है। अब आवश्यकता पड़ी नहीं, व्यक्ति का देहावसान हो गया, रोज के अभ्यास के कारण मरते दम तक उसको याद है उसी स्थान का स्मरण। नियम तो ऐसा ही है कि मरते समय जिस वस्तु का स्मरण होगा, जन्म वैसा ही मिलेगा। तो फिर यह केवल प्राचीन धारणा नहीं रही, यह प्राचीन लोगों का अनुभव रहा कि उस सेठ जी का जन्म वहीं होता,
पहले सेठ बनकर के आया था और वहां पर रह रहा था, लेकिन चूंकि अपना पूरा ध्यान उसने धन में लगाया, धन में लगाया, धन में लगाया, कितने मटके रखे हैं, कितने घड़े हैं, उसमें पूरे कितने भरे हैं, आधे कितने हैं, अच्छा उसके अंदर क्या क्या है, इतना बारीकी से भगवान का चिंतन नहीं करता, उतना वो चिंतन करता रहा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामस। जिसका मन इस प्रकार की जड़ वस्तुओं में फंसता है, पुनर्जन्म होकर के पुनः वह वहीं पर आता है और अधम योनि को प्राप्त करता है। तो सेठ जी पधारे तो वहीं पर, लेकिन पहले सेठ के रूप में वहां पर रहते थे, अब सांप के रूप में आकर के वहां निवास करते हैं। भुजंग, अच्छा वो धन उसको इतना प्रिय है, ये वासना भी ऐसी विचित्र है, अब उसको तो कोई काम नहीं उसका, सर्प की योनि में क्या करेगा, लेकिन यदि कहीं कोई निकालने के लिए आया तो ये बैठा है, इसलिए आप प्रयास मत करना। हर स्थान पर मनुष्य की वासना चिपकी हुई होती है। अब भूल जाओ इस बात को, मुख्य बात यह है, अरे विधाता ने हम लोगों को भी बहुत धन दिया, हमारे भीतर वो साक्षात ज्ञान भरा हुआ है। कौन सा? मैं शरीर हूं नहीं, मैं इंद्रियां हूं नहीं, मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहो निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाण सदा मे समत्वम न मुक्तिर्न बंधा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यह ज्ञान किसी का विशेषाधिकार नहीं है, यह ज्ञान किसी की बपौती नहीं है। संसार का यच्च यावत मनुष्य इस ज्ञान का अधिकारी है, ध्यान रखना। वेद कौन याद करेगा, इसमें बाकी बातों का विचार है। ब्रह्म ज्ञान में कोई भी भेद हमारे शास्त्रकारों ने नहीं किया। वेदांत के ज्ञान का हर व्यक्ति अधिकारी है, वहां धर्म का विचार नहीं, जाति का विचार नहीं, लिंग का विचार नहीं, किसी बात का विचार नहीं, टोटल इक्वालिटी। वहां पर विचार है तो केवल अधिकार का विचार है, और वह अधिकार सद्गुणात्मक अधिकार है, जिसको कहते हैं साधन चतुष्टय। तो यह धन, यह परम ज्ञान जिसके लेश मात्र से जीवन धन्य, वो सब हम लोगों को मिला है, अपने यहां पर भरा है, लेकिन बात क्या हो गई पता है, उसके ऊपर बैठे हैं दो बड़े बड़े नाग, एक का नाम काम, एक का नाम क्रोध। हे ज्ञान नीचे भुजंग, परमात्मा ने धन दिया, ऋषियों ने उस धन को प्राप्त करने की युक्ति बतलाई, और उसी युक्ति को घोटने के लिए हम वानप्रस्थ आश्रम भी आए, थोड़ा लेसन पक्का भी किया, लेकिन क्या करना, थोड़ा प्रयास करने लग गए, पुस वो काम और क्रोध, हे ज्ञान निधि से भुजंग। विषय दरीचे वाघ, ये भुजंगों के समान है, ये बाघों के समान है।
विषयों की ओर से थोड़ा सा आपने जाना चाहा, अभी बाप को छोड़ दीजिए थोड़ा सा। इन 5-7 महीनों में ना यहां के हाथी बहुत सुधर गए हैं, उनको पता चल गया कि आदमी बहुत बढ़िया होता है, और इसलिए प्रेम से मिलने के लिए ज्यादा रास्ते पर आने लग गए वो। अब वो उनकी प्रेम करने की जो स्टाइल है वो तो स्टाइल अपनी अपनी है ही, सूंड से पकड़ते हैं, उठाते हैं, गेंद की तरफ फेंकते हैं, फिर आदमी का जो कुछ होता है वो देखने के लिए रुकते थोड़े ही है, वो तो बेचारे अपना काम करके चले गए खेल करके। सबके साथ ऐसा होता है ऐसी बात नहीं, लेकिन किसी के भी साथ हो सकता है यदि असमय में इस मार्ग से जाए। महाराज कहते हैं विषयों की ओर से जरा साइट सीइंग करने के लिए भी देखे तो सही, क्या है इधर, आदमी को कुतूहल होता है, शब्द में क्या है, स्पर्श में क्या है, रूप में क्या है, रस में क्या है, गंध में क्या है, यहां क्या है, वहां क्या है। ऐसा निकला ना, पता नहीं चलता है कब ये शेर एकदम झड़पता है और साधक को खत्म करता है। विषय दरीचे वाघ, ये तो बैठे हैं आपकी शिकार करने के लिए। अरे विश्वामित्र को भी ऐसे ही लगा था, उनको पता ही नहीं चला कब झड़प करके उस काम ने उनको पकड़ लिया। भजन मार्ग चे मांग मार करे, फांसी की सजा जो अमल में लाता है उसे वधक कहते हैं। वधक सजा तो न्यायाधीश ने सुनाई, लेकिन वह वधक उसको अमल में लाता है, फांसी देता है या सूली पर चढ़ाता है या शूट करता है। ये काम और क्रोध कैसे है पता है? भजन मार्ग की चे मांग, साधन करने के भजन करने के मार्ग पर बैठे हुए ये वधक है। ये तो इस मार्ग पर जो चलता है ना उसको पता नहीं कब पकड़ते हैं कब मारते हैं, इसका मतलब उसका साधन नहीं होने देते। जिसके भीतर काम है, जिसके भीतर क्रोध की वृत्ति है और इनका प्राबल्य हो गया, वह ठीक से साधन भजन नहीं कर सकता, रोज की माला पूरी नहीं कर सकता, ध्यान में चित्त को एकाग्र नहीं कर सकता। हे देह दुर्गा चे धोंड, इंद्रिय ग्रामी चे कोंड, यांचे व्यामोहादिक बंड जगाव। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं इनके जैसा खतरनाक, इनके जैसा भयंकर कोई नहीं। एक एक विषय जीवन में प्रबल हो जाए एक तो भी मनुष्य बचता नहीं। अपना निर्धारित कर्तव्य पूरा कर सकता नहीं, फंस जाता है। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य महाराज ने बड़ा मनोज्ञ वर्णन इस बात का किया। शब्दादिवे पंच भिरेव पंच पंचत्वमापुस्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा नरः पंचभिरंजित किम।
पांच विषय है, पांच विषयों को ग्रहण करने वाली पांच इंद्रियां हैं। इनमें एक इंद्रिय ऐसी है जो दोनों विषयों को ग्रहण करती है, जो विषय ग्रहण तो एक ही करती है लेकिन वह ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है, हमारी जिह्वा काम करती है बोलने का और ज्ञान होता है रस का, बढ़िया रस का। कान श्रवण करता है, आंख रूप देखती है, त्वचा स्पर्श का सुख प्राप्त करती है और नासिका सुगंधि ग्रहण करती है। भगवान आचार्य कहते हैं कि मैंने देखा एक एक इंद्रिय जिसमें प्रबल होती है वो भी बचता नहीं, इतना वेगवान हिरण सुजानगढ़ के डियर पार्क में। मैंने वहां के संचालक से पूछा, वहां हिरणों का अभयारण्य है, मैंने उससे पूछा कि एक हिरण अधिक से अधिक कितने वेग से दौड़ सकता है। उसने कहा, आपका विश्वास होता है क्या? देखो, उसने सही कहा कि एक बढ़िया वारहसिंगा अपना पूरा बल लगा करके दौड़े तो एक घंटे में 60 किलोमीटर दौड़ सकता है, इतना उसका वेग हो सकता है। लेकिन वो पकड़ में आता कैसे? संगीत के माध्यम से उसको मग्न कर दिया जाता है, संगीत उसका वीक पॉइंट, वो उसको सुनने के लिए खड़ा होता है, खड़ा पकड़ लिया जाता है, जहां सुंदर बीन पड़ी वहां वो चिपक गया, भागने की क्षमता होने पर भी भागता नहीं। इतना बड़ा वनराज गजराज, कैसा बल उसका, एक हाथी के स्पर्श की लालसा में वो उसके पीछे पड़ता है और शिकारियों के द्वारा ट्रेंड की हुई वह हाथिन उसे अपने पीछे दौड़ाती हुई एक गड्ढे में गिराती है। 15 दिन भूखे रखने के पश्चात वह निर्बल हो जाता है, गुलाम बन गया। स्वतंत्र गजराज था, हाथिन के स्पर्श की लालसा ने उसे गुलाम बनाया। दीपकलिका को आलिंगन देने के लिए छोटे छोटे कीटक झपकते हैं, उन पतंगों की आंखें और पंख जल करके वे नष्ट होते हैं, रूप ने उनका नाश किया। लोहे के आंकड़े में लगी हुई आटे की गोली को चखने के चक्कर में कितने सारे मत्स्य अपने प्राण गंवाते हैं, लेकिन तब भी पिछले आते ही रहते हैं, उसको पकड़ते ही रहते हैं, मरते ही रहते हैं। कमलिनी के मध्य में विराजमान होकर के उसके पराग का सेवन करने वाला, गंध का सेवन करने वाला और उसमें पूरी तरह मग्न हो जाने वाला वह भ्रमर उस कमलिनी के बंद होने पर भी विधाता की दी हुई शक्ति का उपयोग करके उसे कुरेद करके बाहर निकल सकता है, निकलता नहीं है, लकड़ी को काट देता है लेकिन कमलिनी को कुछ नहीं करता। दम घुट करके मरता है। भगवान आचार्य कहते हैं एक एक विषय ने एक एक जीव को मारा, मार ही डाला। उस
मनुष्य का क्या होता होगा जिसके पीछे ये पांचों विषय एक साथ पड़े हैं। शब्दादि भी पंच भिरेव पंच पंच त्वमाप स्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा नर पंच भिरंजित किम। इसके लिए रिसर्च करने हेतु कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं, अपने ही भीतर देखने लग जाए तो पता चलता है क्या करामात है इनकी। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, हे जड़ेवी न बुड़वीती आगीवी न जाड़ीती न बोलता कवड़ीती प्राणिया ते साध्वी शांति नागविली मग माया मांगी श्रृंगारली तिये करबी विटाड़विली साधु वृंदे। अच्छे अच्छे लोग इन विषयों के चक्कर में फंस करके, वैसे सज्जन थे बड़े अच्छे थे लेकिन माया मांगी श्रृंगारली, इस माया ने क्या चक्कर किया, इनको अपने फेर में लिया और ये सारे बेचारे अपनी शांति को खो बैठे। जो जो विषयों के जितना अधीन होता है उतनी उतनी उसके जीवन की शांति नष्ट होती जाती है, ये पक्का सिद्धांत है। विषयों के अधीन भी रहेंगे और शांत भी रहेंगे, भूल जाओ। सारा घर बार प्रपंच सब करते रहेंगे और समाधि भी अभ्यास करेंगे, भूल जाओ। ये सब बेकार की बात है। इसके लिए कुछ और ही योग्यता आवश्यक है। कैसे है ये विषय, महाराज कहते हैं अरे पता नहीं लगता है, आदमी उसमें डूब जाता है, डूब जाता है बिना पानी का। जड़े भी न बुड़बीती, व्यसनों के अधीन होकर के कितने डूब गए। मराठी का एक सुंदर नाटक रहा, बहुत पुराना लेकिन बड़ा अच्छा, एकच प्याला, उसका एक दो ही वाक्य मुझे याद है। शराब के इस प्याले में त्रिराम कितने कितने संसार डूब गए, एक प्याला, एक ही प्याला। केवल पुरानी बात नहीं, आज भी आप कितने संसारों को, कितने घरों को, कितनी प्रॉपर्टीज को और कितने व्यवसायों को उस एक प्याले में डूबते हुए देखेंगे। हे जड़े भी न बुड़बीती, पानी नहीं दिखता है लेकिन डूब जाता है आदमी, वो कुछ कर ही नहीं सकता। आगी भी न जाड़ी थी, बिना आग के आदमी जलता है, गर्मी आग के कारण होती है ना। जिनके मन में काम अथवा क्रोध होता है ना, उनके हृदय की आग जरा देखो, वो ऐसे जलते हैं, ऐसे जलते हैं, आहाहा। काम भी जलाता है, क्रोध भी जलाता है। उसमें जलाने का काम तो क्रोध ज्यादा करता है। क्रोध पित्त नित छाती जारा, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, क्रोध पित्त जैसा है, छाती को जलाता है। उसने मेरा ऐसा किया, उसने मेरा वैसा किया, उसने मेरा वैसा, उसको सब पूरी याद, हिस्ट्री, और गुस्सा करता है। अच्छा कभी कहा ना, भूल जाओ,
नहीं नहीं आप बोलिए ना, कैसे भूलू, अब मत भूलो। चलो यू आर फ्री टू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ, ध्यान रखना। धन्य है वे लोग जिन लोगों को विस्मृति का वरदान विधाता ने दे दिया, जो कल की बातों को भूल सकते हैं। जस्ट फॉरगेट, यू विल बी हैप्पी। काहे को ये प्राचीन सारी स्मृतियां हम ढोते हैं? लेकिन आपको पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। अब हो गया हो गया। दुर्दैव आदमी का यह है, वो जलता भी है और अपने जलने का समर्थन भी करता है। करता है कि नहीं बोलो? एक बात और ध्यान रखना, इतना कचरा मगज में भरा हुआ होने के कारण आपके पास मोबाइल है कि नहीं? मोबाइल अभी नहीं निकालो मत। मोबाइल में उसकी मेमोरी की एक सीमा होती है, ध्यान रखना। जब एक आवश्यकता से अधिक बातें इकट्ठी हो जाती है ना, वो बोलने लग जाता है, मेमोरी फुल। अब ज्यादा नंबर आप फीड नहीं कर सकते, मेमोरी फुल हो गई। मेरे ध्यान में एक बात आई, अब इसकी मेमोरी फुल हो जाने के कारण जैसे नए नंबर ये सेव उसमें किए नहीं जा सकते, वही हो गया ना, काम क्रोध के कारण हमारी मेमोरी इतनी फुल हो गई कि ब्रह्म ज्ञान भीतर घुसता ही नहीं। जब हम घुसाना चाहते हैं ना, भीतर से करंट आता है, मेमोरी फुल, काम से फुल, क्रोध से फुल। अब ऐसा व्यक्ति सुनेगा तो भी क्या होगा? फिर जरा कभी कहना पड़ता है कि भाई दो चार पुराने डिलीट करो, फालतू के जो पड़े हैं ना। अब वो मोबाइल में तो भी कुछ नंबर काम के होते होंगे, ये स्मृति में जो प्रसंग है ना हमारे, ये सारे के सारे बिना काम के, एकदम यूजलेस। खाली बिना काम के होते तब भी बात नहीं, वो मोबाइल में नंबर पड़े तो भी रहते हैं, वो छेड़ते नहीं है अपने को, ये छेड़ते भी है भीतर से। काय को मेमोरी फुल करके रखी? हे आगी वीण जाळीती, हे जळे वीण बुडवीती, आगी वीण जाळीती, न बोलता कवळीती प्राणी आते। एक एक का नाश करना है ना, और ये पता ही नहीं चलता है। चुपचाप उठाई लेते। रामकथा में एक प्रसंग आता है, भगवान श्री राम अब वनवास में जब दंडकारण्य की ओर आगे बढ़े, और आरंभ ही किया था, भगवान श्री राम आगे चले हैं, लखनलाल जी पीछे हैं, मध्य में भगवती जानकी है। अब सुरक्षा की दृष्टि से यह ठीक था। अब ये बताइए, राम जी से अधिक सुरक्षा कौन कर सकता है? अच्छा, आगे राम जी है, पीछे लखनलाल जी है, जानकी जी बीच में है। इतने में क्या हुआ, विराद नाम का एक असुर, उसका नाम था विराद, उसने राम जी को तो आगे जाने दिया, लखनलाल जी अभी आने थे, सीता जी जैसे उसके नीचे आई, उसने थोड़ा सा अपना हाथ आगे बढ़ा करके झट से उसको उठा लिया, भागा।
हैरान हो गए भगवान श्री राम भी और लखनलाल जी भी। ये तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी कोई ऊपर से ही उठा लेगा, न आगे से आया न पीछे से आया, उसने ऊपर से ही उठा लिया, वो दिखा ही नहीं। उसी प्रकार हमारे भीतर ये विषय ऐसे छिपे रहते हैं, दिखते नहीं है। न बोलता कवड़ीती प्राणी आते, बीच ही में से उठा लेते। भगवान श्री राम के साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता था तो हमारे साथ क्या है? हे शस्त्रे वीण साधिती, दोरे वीण बांधिती, काम से आदमी बिना रस्सी के बंधता है कि नहीं? बंध जाता है। काम के अधीन जिसका मन हुआ वो कहीं जा नहीं सकता। परमात्मा की बात छोड़ो, भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक में लिखा, जब वो काम उसके पूरे आवेश में उसको अपनी चपेट में लेता है ना, वो भी अद्वैतवादी हो जाता है। उसको जिधर देखे उधर वही वही दिखती है, आगे वही पीछे वही, उधर वही उधर वही। इसको किसने बांधा? किसी ने नहीं बांधा, बिना रस्सी के बंध गया। डोरे बिन बांधती ज्ञानियासी वधती पैज देव। क्या बात! कोई माई का लाल ऐसा संसार में जन्मा नहीं जो ये कह दे कि मैंने इनको जीत लिया। पैज देव अरे कहानियां सुनाने का मन करता है लेकिन वो घड़ी बड़ी खराब है। भगवान वेदव्यास जी का और उनके शिष्य श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान वेदव्यास जी के बड़े श्रेष्ठ शिष्य है जैमिनी। वेदव्यास जी ने महाभारत लिख करके जब अपने शिष्यों को दिया पढ़ने के लिए, एक श्लोक पर आकर के जैमिनी ने कहा कि ये जस्ता नहीं है। श्लोक क्या था?
मात्रा स्वश्राधु हित्रावा न विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। इंद्रिया अत्यंत बलवान है, इसलिए किसी को अपनी माँ बहन अथवा कन्या के साथ भी अकेले नहीं रहना चाहिए, ऐसा वेद व्यास जी ने लिखा। जैमिनी ने कहा यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज्ञानी के लिए ये लागू नहीं होती। व्यास जी ने कहा कि अरे भाई ठीक है, ज्ञानी के लिए भी वो ठीक है। जैमिनी ने कहा नहीं, ये जस्ता नहीं है, यंग ब्लड जैमिनी। उसने कहा इसको ऐसा करना चाहिए, विद्वांसम नापकर्षति। ठीक है भाई, देखेंगे। और एक दिन स्वयं जैमिनी के साथ ही ऐसा हादसा हो गया। वे अपनी कुटिया में बैठे हैं, बरसात आरंभ हो गई, बरसात में भीगती हुई एक तरुण स्त्री वहां पर आकर के पहुंची। अब वो कुटिया में हवन कर रहे थे तो उसको आश्रय चाहिए था, उसको बुलाया, ये उसके अधीन हो गए। अब ये ज्ञानी है, लेकिन उसने कहा कि देखो मैं तो उसी का पति के रूप में वरण करने का प्रण करके बैठी हूं जो स्वयं घोड़ा बनकर के मुझे पीठ पर लेकर के घुमाएगा। जैमिनी ने विचार किया, वैसे भी कोई देख नहीं रहा है, घोड़ा होने में क्या आपत्ति है, विस्तार नहीं करता हूं। घुमाया, नीचे उतारा, वेदव्यास जी सामने खड़े थे। अपने गुरुजी को देख करके तो वो तो पानी पानी हो गया कि ये कहां आ गए यहां और वो कहां चली गई। अरे वो नहीं, वो यही वो बनकर के आए थे। जैमिनी ने लज्जित होकर के प्रणाम किया। वेदव्यास जी ने ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, ऐसा उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुमसे पूछने के लिए आया था कि फिर वो श्लोक में परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। विद्वांसम अपिकर्ष, ज्ञानी आसी तरी वदती पैज देवनी, पैज देवनी। या तो खरा भक्तोस कौन कौन रहते थे, ऐसा ये आह्वान देकर के बुलाता है। पासी के भी न गोविती, अरे बिना रस्सी के बांध करके लाता है। याद करो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने महान विद्वान और इतने महान शास्त्रों के ज्ञाता थे, पत्नी रत्नावली चली गई पियर। लंबी कहानियां सुनाने की आवश्यकता ही नहीं है। रात्रि की वर्षा में गंगा जी को पार करते समय नाव नाव थी नहीं, पार कैसे किया जाए गंगा जी को, एक लकड़ी बहती हुई आई, वो लकड़ जब आया लठ उसी को पकड़ करके पार कर गए। एक हाथ में उसको पकड़ लिया, उसके ऊपर तैरते रहे, एक हाथ से पानी काटते रहे, जाकर के पहुंच गए। अब उसके ऊपर की मंजिल में जाना तो विचार किया कि ये एक रस्सी लटक रही है, शायद उसी ने लटकाई है। चढ़ करके पहुंच गए, उस आवेश में उनके ये ध्यान में नहीं आया
कि जिस लठ को पकड़ करके मैं तैर करके आया हूं वो लठ नहीं था, वो मुर्दा था, और जिस सांप को और जिस रस्सी को पकड़ करके मैं चढ़ करके आया हूं वो रस्सी नहीं, लटक रहा है एक सांप। धन्य है रत्नावली जिसके चार शब्दों ने उस महात्मा को, उस विद्वान को साधु बना दिया। उसके पश्चात का तुलसीदास तो कुछ और ही बात हो गई, जगत सारे संसार का उद्धारक हो गया। लेकिन प्रश्न इतना ही है, कोई नहीं बांध करके लाया था, लेकिन बंधे बंधे चले आए ना। ये काम का और क्रोध का स्वरूप है अर्जुन। बड़ी विशेष बात यह है कि हमारे भीतर के सारे ज्ञान के तेज को ये ढक देते हैं, जैसे धुएं से आग ढक जाती है, उसी प्रकार हमारे भीतर का सारा आत्मज्ञान इस राख से ढका हुआ है। इनको दूर करने की आवश्यकता है। तैसे ज्ञान तरी शुद्ध परि ही असे प्रवृद्ध मनोनिते अगाध हो निठे। आदि आते जनावे मगते ज्ञान पावावे तो पराभव न संभवे राग द्वेष। इन दोनों की जन्मभूमि है रजोगुण। तीन प्रकार के गुण हम लोग आगे चल करके देखेंगे जो भगवद गीता में कहे गए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उनमें रजोगुण चांचल्य प्रधान है, चांचल्य रूप है, अत्यंत चंचलता, और इस चंचलता और राग द्वेष के कारण काम क्रोध का निर्माण होता है। यह हमारा स्वरूप नहीं है, यह हमारे स्वरूप के ऊपर आई हुई राख है। हम काम से अतीत है, क्रोध से अतीत है, लेकिन क्या करना, ये भुजंग ऐसे ऊपर बैठे हैं कि ये दूर हटना चाहते नहीं। अर्जुन एक काम करो, कैसे उपाय किस्ती जे जे ते यासी होती विरजे उन्होंने हटिया ते जनजे ही। बाकी सब बातें बाद में, अर्जुन पहले इसको जीतने का प्रयास करो, और यदि इनको जीतना होगा ना तो आरंभ कहां से करोगे भैया। वे कहते हैं यांचा पहला क्रुठा इंद्रिय ये तूने प्रवृत्ति कर्मा तेविये आदि निर्दलून घाली तिये सर्वथै मगमनाची धाव पारुशेल आणि बुद्धीची सोडवण होईल इतके निथारा मोडेल या पापियांचा। हमारी बुद्धि इनसे बिद्ध हो गई, मन बद्ध हो गया, मूल बात यह है। इसका मुख्य कारण हमने इंद्रियों की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं पहले इंद्रियों को नियमित करूं यह आवश्यक है। इंद्रियां पांच, ज्ञानेन्द्रिय, आंख से क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए इसका मुझे विवेक होना चाहिए, स्पर्श किसका करना किसका नहीं करना इसका मुझे विवेक होना चाहिए, कान से क्या सुनना और क्या नहीं सुनना इसका मुझे विवेक होना चाहिए, नासिका से कौन गंध लेना नहीं लेना इसका मुझे विवेक होना चाहिए, और कौन से पदार्थों का स्वाद लेना और नहीं लेना इसका विवेक होना चाहिए। मैं चाहे सो देखूंगा, चाहे सो सुनूंगा, चाहे सो चखूंगा, चाहे जैसे स्पर्श करूंगा, और फिर भी काम क्रोध मेरे ऊपर कोई परिणाम नहीं करेंगे, ऐसा कहना मूर्खता है, झूठ, एकदम झूठ।
अब चलो कल के प्रकरण की ओर। हमारे धर्मशास्त्र ने जो नियम बताए उन नियमों का पालन करने वाला इन सारे इंद्रियों के व्यवहार में सावधान रहता है। हमारे धर्म के नियम इन बातों को लेकर के थे। चाहे जैसे नाच गाने आप टीवी के स्क्रीन के ऊपर उछलते कूदते देखते रहेंगे और फिर भी मेरा मन सच है ऐसा कहेंगे ना तो आप झूठे ही बोल रहे हैं। मन तो मलिन है ही है, झूठ बोलने का और एक पाप है। कहां से आरंभ करेंगे अपने मन की विजय का? यह अध्याय साधनारंभाध्याय है ना, हमने कल देखा था ना, तो उसका आरंभ कहां से करेंगे? हमारी हर इंद्रियां नियमित हो जानी चाहिए। उसको रौंद दो, दबा दो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, उसको नियमित करो। अरे कोई ना कोई अनुशासन होना चाहिए, क्या देखा जाए क्या नहीं देखा जाए। आज सारे घर भ्रष्ट इसलिए हो रहे हैं कि घर में कोई अनुशासन नहीं। 24 घंटा टीवी चलना चाहिए क्या? टीवी घर में हो मान लिया, वो कितना घंटा चले इसकी अकल? न बाप को न मैडम को न बच्चों को तो है ही नहीं। मैं क्या देखूं, कितना देखूं, क्या खाऊं? सारी गंदगी खाता हूं मैं जब होटल में जाकर के चाटता हूं तो, सब दुनिया भर का। और जितने बड़े होटल में जाते हैं स्वच्छता ज्यादा होगी लेकिन गंदगी उससे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां वेज नॉन वेज और किसी का बूट का चप्पल का स्पर्श का कोई विवेक ही नहीं। लेकिन जाता है आदमी जिह्वा, सफेद तिलक करके भी जाता है, मारी तो इच्छा कोणी ही टावरिया ले गया। जाओ देखाओ, कोई बात नहीं, प्लानिंग से वो भी करना मैं मान्य करता हूं। एक बार जीवन में ये भी प्लानिंग कर लो कि आखिर क्या प्लानिंग करके तो आऊं, चले जाओ एंड फिनिश इट। फिनिश करने के लिए किसी भी विषय का मनुष्य स्वीकार करता है, नॉट बैड, कीपिंग द एंड इन द माइंड। एक दिन मुझे उसको छोड़ना है, ये समझ करके, इस समझदारी के साथ। तो मैंने एक बात बताई, अब ऐसा हर बात का। उन तीन बंदरों को याद रखो, कुछ तो देखना टालो, कुछ तो सुनना टालो और कुछ तो बोलना टालो, खाना टालो। एक पदार्थ छोड़ा नहीं हमने बिना खाए। इतनी चैंपियनशिप आवश्यक नहीं है। मेरा भी एक स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं उसको, इसने कीर्तिमान खड़ा कर दिया, यह आवश्यक नहीं, यह साधक का काम नहीं। उससे क्या होगा? एक बात ध्यान रखना, जो गलत बातें देखते नहीं, गलत चीजें खाते नहीं, गलत बातें सुनते नहीं, उनका भी मन संयत होता है, ऐसी बात नहीं। उनके भी मन में चंचलता होती है, लेकिन उस चंचलता का प्रमाण अलग होता है।
वो चंचलता बहुत क्षीण होती है। और ये सब देख देख करके रात दिन उत्तेजनाओं के संसार में जीता हुआ आदमी निरंतर चंचल है। और जब बाहर से इंद्रियों का नियमन किया और भीतर से परमात्मा की आराधना आरंभ की, मग मनाची धाव पारुषेल आणि बुद्धीची सोडवण होई, विश्वास करना, ऐसा कभी मन में मत लाना कि कोई मन को जीत नहीं सकता, यह बात ही गलत है। मन को जीता जाता है, बुद्धि को विषयों से मुक्त किया जा सकता है। कठिन होने पर भी यह असंभव नहीं है, उसका मार्ग यह है। धीरे धीरे उसकी सीमा इतकेन सारा मोड़े ल या पापियांचा, हे अंतरी हूं निधरी फिटले तरी निभ्रांत जान निवटले, जैसे रश्मि वीण उरले मृग जल नाही। जिस प्रकार सूरज की धूप ही नहीं हो, सूरज की किरणें ही नहीं हो तो मृग जल दिखता ही नहीं, उसी प्रकार पंच विषयों के निरंतर संपर्क के कारण अंतरंग में वासनाओं का उदय ही नहीं होता होगा तो बंधन निर्माण ही नहीं होगा। अर्जुन सावधान, यहां पर रहने की आवश्यकता है। तैसे राग द्वेष दरी निमाले तरी ब्रह्मीचे स्वराज्य आले, मग तो भोगी सुख आपुले आपण जी। छूट जाता है मन उसके चंगुल से, छूट जाती है बुद्धि उसके चंगुल से, जब बुद्धि के उस पार विराजमान अंतरात्मा परमात्मा स्वरूप का चिंतन उसका होने लगता है। और जैसे ही वहां पर इसकी दृढ़ श्रद्धा निर्माण हो गई, एक लेश मात्र अनुभूति वहां से प्राप्त हो गई, ये विकार अपने आप ऐसे नीचे आते हैं कि बाद में ढूंढना पड़ता है कि ये विकार कहां थे, समाप्त हो जाते। इस मार्ग पर चलो, चलो अर्जुन आरंभ करो इस साधन का। कैसे आगे बढ़ना मैं तुम्हें बताऊंगा 3:30 बजे।